तो क्या आप जानते हैं एक दिन में पूरी दुनिया में 300 बिलियन इमेजेस ईमेल्स भेजी जाती हैं 300 बिलियन सिक्स सेवेंटी वन परसेंट एम्प्लॉज एक सर्वे के हिसाब से दे बिलीव कि ईमेल्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम बट गेस वॉट ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस एंड ऑल आर बिज़नेसेस करंटली टूडे आर बेस्ड ऑन ईमेल्स तो नमस्कार नमस्कार और आपका स्वागत है एक और एपिसोड में एडवाइस यूथ के आज बात करेंगे ईमेल कम्युनिकेशन की जी हां में से सब ईमेल कम्युनिकेशन करते हैं हमारे प्रोफेशनल पर्सनल इन्वायरमेंट में प्रोफेशनल में ज़्यादा और ये कितना की इम्पोर्टेंस रखता है हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ये जो कुछ मैंने आपको स्टार्ट बताए हैं इसी से आपको पता लग जाने चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप अच्छे से ई लिखना सीखें अच्छे से ई के ऊपर कम्युनिकेट करना सीखें अब अनफॉर्चुनेट बात इसमें यह है कि अगर आप ने देखा होगा कि ना तो स्कूल ना कॉलेजेस में आपको ईमेल लिखना कोई नहीं सिखाता है और 90 परसेंट आपका काम ऑफिस में ईमेल पे ही होता है फोन उठा के कोई बात नहीं करता है आजकल तो ईमेल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि आपकी जो इमेज बनेगी ना अपने कलीग्स के सामने अपने सीनियर लीडरशिप के सामने वो आपकी ईमेल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बनेगी 90 परसेंट क्योंकि वो आपसे बात ही ईमेल पे कर रहे हैं वो आपके ईमेल आपके डॉक्यूमेंट्स ही पढ़ रहे हैं आपसे क्वेश्चन ही ई पे कर रहे हैं आप उनसे जाके थोड़ी बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से एक हफ्ते में एक बार आपसे मीटिंग कर रहे हैं बाकी तो सब ईमेल पे हो रहा है आपके सेल्स जो हैं वो कम्युनिकेशन वो ईमेल पे हो रही हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है पांच ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप ईमेल लिखें आज बात करते हैं सबसे पहले क्लैरिटी इज किंग दोस्तों अगर आपकी ईमेल क्लियर होगी तो लोग उसे पढ़ेंगे अगर लोग उसे पढ़ेंगे तो लोग उसका जवाब देंगे अब मैं आपको एक क्विक बूमर रैंक सर्वे के बारे में बताता हूं जिसमें लिखा है कि ई अगर सौ वर्ड से कम है तो तेईस ज्यादा लाइकली है कि कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा उ कूल इज दैट राइट तो मतलब क्लैरिटी दो तरीके से आ सकती है एक तो आप जो है अपनी थॉट को जो है वो सही से लिखें उसमें सही सब्जेक्ट लाइन लगाएं उसमें सही टेक्स्ट लिखें लेकिन दूसरा ये भी है कि उसको सक्सेंट रखें मतलब उसको छोटा रखें अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ दो ईमेल्स के बारे में तो एक ईमेल पहली ईमेल देखिए आई होप दिस ई मेल यू वेल ये गलती हम बहुत लोग करते हैं मैं भी करता था अब नहीं करता हूँ आई होप यू आई होप दिस ई मेल फाइंड यू वेल आई वॉन्ट टू टच बेस ऑन द मार्केटिंग प्रोजेक्ट यू मैंशन ड्यूरिंग द लास्ट मीटिंग एंड डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स अब इसमें क्या है कि एक तो लाइन ओपनिंग लाइन देखिए ठीक है अब मैं अगर आपसे दिन में पांच बार ई मेल में बात करता हूं तो मैं क्यों लिखूंगा यू राइटिंग आई होप यू फाइंड You the last and the next. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो आखिरी में मुझे ये भी समझ में आया इसमें करना क्या चाहते हो like, क्या डिस्कस करना है क्यों करना है कब करना है कैसे करना है ई मेल पे करना है या मैं फोन करूं या मैं मीटिंग सेट लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू हियर लाइक दूसरी में देखिए सब्जेक्ट मार्केटिंग प्रोजेक्ट अपडेट दूसरा कुड यू कुड वी डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर द मार्केटिंग प्रोजेक्ट मैं लास्ट मीटिंग शुड आई सेट अप द नेक्स्ट मीटिंग सिंपल एक्शन है पता है क्या करना है सब्जेक्ट लाइन क्लियर है पहली वाली और दूसरी वाली ईमेल के बीच में आपको क्या लगता है किसको ज्यादा दवा मिलेगा सेकंड वाली को ऑब्वियसली क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है दोस्तों लोगों के पास टाइम नहीं है लोग बोर हो गए हैं ईमेल पढ़ पढ़ के किसी के पास टाइम नहीं है ईमेल एक सर्वे है उसके मुताबिक 121 ईमेल जाती हैं एक एवरेज आदमी को दिन में आपको क्या लगता है सारी पढ़ लेता है मैं भी नहीं पढ़ता हूँ मैक्सिमम ई मैं क्विकली स्कैन करता हूँ डिलीट कर देता हूँ कि मैं सारी ई पढ़ लू तो मैं किन को जवाब देता हूं मुझे पता होता है कि एक्जैक्टली exactly मेरे से क्या पूछा है एक्जैक्टली exactly मुझे क्या करना है छोटा सक्सेंट है डायरेक्ट है बिल्कुल क्रिस्प लिखा गया है तो प्राइमरी पॉइंट से लीड करिए प्राइमरी पॉइंट को आखिरी में मत करिए मत लिखिए आई होप दिस फाइंड यू वेल they understand, they are also busy, so they would appreciate if you don't write it and you actually start with the fact what you actually want. और ये कभी कभी जब आप you know, if you go into a communication school, तो शायद दिस गोज अगेंस्ट हाउ यू शुड राइट लेटर राइट Etiquette of ऑफ राइटिंग लेटर बट आप ये समझिए कि ये लेटर राइटिंग नहीं है ये ई मेल राइटिंग है जहां आपको अटेंशन चाहिए वो बंदा 25 मीटिंग्स में है सुबह से शाम तक 100 एक सौ इक्कीस आ रही हैं आपकी ई को क्यों जवाब देगा क्विक आंसर उसको डिसीजन बताइए क्या चाहिए ठीक है दूसरा क्या कर सकते हैं हम um, अपनी जो टोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो टोन होगी जो ईमेल में टोन होती है उसको अगर लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं ना आपकी टोन को तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि लोग आपको अच्छा या बुरा उसकी वजह से समझ लेंगे तो अब इसका मतलब क्या है अब फॉर एग्जाम्पल आप जो हैं बहुत अच्छे आदमी बहुत यू नो यूर नाइस पर्सन टू टॉक टू आप नॉर्मली बात करते हैं लेकिन जब आप ई लिखते हैं तो थोड़ा सा वो अग्रेसिव दिखाई देती है आप ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं ऐसी टोन यूज कर लेते हैं किसी का नाम लिख देते हैं उसमें राइट सो दैट कम्स अक्रॉस अ लिटिल बिट अग्रेसिव लोग आपको इट डजेंट मैटर हाउ यू आर इन रियल लाइफ अगर वो आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं वो तो ईमेल पे ही देख रहे हैं और ईमेल में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के जो नंबर्स हैं ना आई थिंक इट इज़ सो मच मोर देन ऑन अ रेगुलर कन्वर्सेशन क्योंकि रेगुलर कन्वर्सेशन में तो आप बात करेंगे तो आप यू नो यू कैन हैंडल इट ई मेल में कैसे हैंडल करेंगे ई e मेल में तो आप आपके पास वापस कुछ नहीं होता ना अगर दूसरे आदमी गुस्सा आ गया रेगुलर कन्वर्सेशन में तो आपको दिखाई दे रहा है सामने वो बंदा बैठा है कि हाँ यार मतलब हाउ माई हाउ माई डूइंग यू नो क्या मैंने इसको गुस्सा दिला दिया क्या मेरी टोन से इसको कुछ हुआ कुछ ऐसे मतलब यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज चेंज ई मेल में कैसे करेंगे तो कॉर्पोरेट ईमेल की जो टोन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अब उसमें ये भी होता है कि एक तो मैंने बता दिया अग्रेसिव मत यू नो लाइक डिपेंडिंग ऑन वाई यू आर सेंडिंग डोंट लुक अग्रेसिव बट दस ऑल्सो सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको अच्छी लाइक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ी सी फॉर्मल टोन अच्छी लगती है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ मैं अमेजॉन uh, में काम करता हूँ जो एमेजोन में एक फेमस ई टाइप है जेफ पीसूस की ईमेल टाइप है वो क्या करते हैं जब उनको किसी चीज़ के ऊपर अपडेट चाहिए होती है तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा के भेज देते हैं ओनर को राइट एंड ही नोज लाइक द ओनर नोज वॉट इज नीडेड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अरे ये ये आपको अमेजोन में जनरली भी सिखाया जाता है कि आप जब ई मेल लिखें तो क्रिप्स लिखें मतलब डोंट राइट फाइव पैराग्राफ्स राइट एग्जैक्टली वॉट इज नीडेड इट एट द टॉप बिकॉज उनको भी पता है कि जो आदमी पढ़ रहा है उसके पास टाइम नहीं है तो अगेन टोन इज इंपॉर्टेंट टोन जो है um, वो क्वेश्चन मार्क मीन्स कि यार पीपल नो कि दिस इज अर्जेंट दिस नीड्स टू बी फॉलोड अप इमीडिएटली दिस इज समथिंग दैट माई नॉट हैव वेंट द वे इट शुड हैव तो वो टोन जो है वो दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट राइट अब एक्सप्लेनेशन इसका ये एक बता देता हूँ मैं आपको कि सिक्सटी टू परसेंट लोग हब स्पॉट के एक सर्वे के हिसाब से कहते हैं कि उनकी जो टोन थी वो मिस जो ई मेल था वो मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो उनकी रिलेशनशिप्स को खराब करती है और फिर उनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है तो दो तीन चीज़ें का ध्यान रखिए अपने जो आपके कलीग्स हैं जो भी वो टोन यूज कर रहे हैं उसी टोन को यूज करिए उनको मिमिक करिए क्योंकि एक सोशल सेटिंग जो है वो सेट हो चुकी है उस सेटिंग में जैसे जैसे वो वो बात करते हैं एक दूसरे से वैसे ही बात करिए ज्यादा या तो डोंट बी टू नाइस डोंट बी टू अग्रेसिव राइट ट्राई टू फॉलो दैट राइट एक तो ये हो गया दूसरा ये हो गया कि अगर आप uh, जो हैं डायरेक्ट रहेंगे क्रिस्प क्रिस्प रहेंगे फैक्ट बेस्ड रहेंगे फैक्ट्स जो हैं उन पे स्टिक करिए क्योंकि फैक्ट पे स्टिक करने से सबसे आसान तरीका होता है इमोशनल किसी का रिएक्शन कुछ होता नहीं है तो ये यू नो अनदर थिंग दैट यू कैन डू प्रूफ रीडिंग प्रूफ रीडिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्योंकि प्रूफ रीडिंग अगर आपके ईमेल्स में ग्रामेटिकल एरर्स हैं ना तो इट डजेंट लुक गुड एंड मोस्ट लाइकली इट विल इम्पैक्ट योर प्रोफेशनल ग्रोथ इन द कंपनी अगर आप प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहे हैं अगर आप जो हैं ऐसे छोटे मोटे टाइपों डाल रहे हैं तो इट्स डजेंट लुक गुड और स्पेशली जब आप बड़ी ईमेल डालते हैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार कि ना देर इज एन ई मेल दैट कम्स बैक देर इज अस्टेक इन द रिपोर्ट राइट से हो आई अपडेटेड समथिंग दैट इन इट सेल्फ डजन लुक स्पेशली अगर आपने बड़े एक उसको भेजा है, तो मेक श्योर यू स्पेंड टाइम मेक श्योर यू यूज टूल्स लाइक स्पेल चेकिंग मेक श्योर यू गो बैक एंड रीड इट टू आइस स्पेशली अगर आप ज्यादा लोगों को भेज रहे हैं तो दो या से तीन बार पढ़िए अगर आप सीनियर लीडर को भेजना चाहते हैं तो लिखिए है एक दिन भेजिए दूसरे दिन ठीक है दूसरी बार जाके उसे पढ़िए अगर आप किसी ऐसे सेंसिटिव मैटर के ऊपर कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं उसको उसी समय मत भेजिए जब आपको गुस्सा आ रहा है तब मत भेजिए ईमेल मत भेजिए उस समय क्योंकि आप एक तो गलती करेंगे टोन भी खराब करेंगे अपनी और आपको जो है रिस्पॉन्ड भी बहुत ईगो वाला मिलेगा वापस राइट तो ग्रामरली जैसे टूल्स हैं स्पेल चेकर जैसे टूल हैं आजकल तो एआई बहुत हेल्प करता है तो उनको यूज करिए टू योर बेस्ट एडवांटेज स्ट्रक्चर जो है ईमेल का उस पर ध्यान दीजिए फैक्ट बेस्ड ईमेल लिखिए सक्सेंट लिखिए बुलेट पॉइंट्स लिखिए और और जितना हो सके इमोशंस से दूर रहिए ई कम्युनिकेशन में सी टी ए आखिरी पॉइंट आप जो हैं जब ईमेल लिखते हैं बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है कि ई मेल में ऐसा लिख देते हैं कि लेट मी नो वॉट यू थिंक इट्स अ वेरी जेनेरिक थिंग राइट कि डू 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 यू 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 नेक्स्ट आर नॉट आस्किंग फॉर एनी थिंग जब आप ये लिखते हैं ना तो क्या होता है कि अब उसके पास यू you नो know, इतनी सारी ई मेल आ रही हैं बफर का एक सर्वे है वो कहता है कि सेवेंटी थ्री परसेंट ऑफ द पीपल जो हैं वो कहते हैं कि अगर ई मेल में सी टी ए अच्छा होगा तो रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी से मतलब उनका डिसीजन बहुत आसान हो जाता है राइट right? तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोन जो है टोन की वजह से क्या होता है वीक टोन कैसी दिखती है लेट मी नो वॉट यू थिंक्स लेट मी नो वॉट योर थाट्स आर थाट्स क्वेश्चन मार्क अच्छी टोन स्ट्रांग टोन कैसी दिखती है कुड यू प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक बाय फ्राइडे सो वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज अब इसमें दूसरे वाले में इट्स वेरी क्लियर कि फ्राइडे तक बताना है फ्राइडे के बाद क्या होगा क्यों चाहिए क्या करना है ठीक है तो थोड़ा एक्शनेबल रखिए उसको टाइम बाउंड करिए स्टार मेथड होता है वो आ, उसकी वजह से लाइक बेसिकली यू कैन बेसिकली फिगर आउट हाउ टू क्रिएट गुड सी टी एस उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे लेकिन कन्फ्यूजन मत रखिए ऐसा ओपन एंडेड मत रखिए कि यही नहीं पता दूसरे को करना क्या है ई मेल क्यों पढ़ूँ मैं इससे मुझे क्या मिलेगा राइट तो अपने ऑडियंस को ध्यान में रखिए अपने ऑडियंस के लिए लिखिए ई मेल जो है उनको एक अच्छा सी टी ए दीजिए अच्छे क्रिस्प तरीके से लिखिए बुलेट पॉइंट्स यूज करिए फैक्ट बेस्ड ई मेल लिखिए अच्छा जो है टोन रखिए और अपने जो कलीग्स हैं उनको मिमिक कीजिए इससे ही आपकी जो ओवरऑल रिलेशनशिप है और जो ओवरऑल आपका परसेप्शन है टीम में वो बहुत बढ़ जाएगा और जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे एक दिन में नहीं आएगा किसी को नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था पर जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से आने लगेगा आप बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखने लगेंगे बट आपको अगर ऐसा लगता है कि अभी नहीं आता है तो ये चार पांच पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनको लिख लीजिए इनको कहीं लिख लीजिए ऐसी जगह स्टिकी नोट पे जब भी आप ईमेल लिखें तो अपने से ये चार पांच क्वेश्चन पूछिए कि क्या इसमें सही सी है क्या मैंने इसमें इमोशनल चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं या फैक्ट्स बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं क्या मैंने इसमें बिल्कुल जो जो पॉइंट था मेन पॉइंट वो ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है क्या इसको पढ़ के जो मेरा जिनको मैं भेज रहा हूं समझ में आएगा कि ये क्यों पढ़नी चाहिए क्या करना है इस इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करना है कब तक मुझे रिस्पॉन्ड करना है ये सब उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा एनी ये चार पांच पॉइंट्स थे जिससे होपफुली आपकी ई राइटिंग इंक्रीज होगी और आपका परसेप्शन भी इंक्रीज होगा और आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी यही हमारी कोशिश रहती है एडवाइस यूथ पर कि आप लोगों को बताएं वो चीज़ें जो शायद कॉलेज या स्कूल में आपको नहीं सिखाई जाती हैं तो अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए और शेयर करिए ये पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को धन्यवाद आज के लिए इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ